चरखारी तहसील के अंतर्गत ग्राम बराई के 2 दर्जन किसानों ने आज तहसील स्थित उप जिला अधिकारी चरखारी की आवास में पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि अन्य जानवरों द्वारा उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे किसान भुखमरी की कगार पर पहुँच रहे हैं। ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार भी लगाई है। किसानों का आरोप है कि 2 दिन पहले गौशाला के अन्य जानवरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने सभी जानवरों को बाहर निकाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप अन्य जानवरों ने किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। किसानों ने नायब तहसीलदार आलोक मिश्रा से न्याय की गुहार लगाई है कि अन्य जानवरों को गौशाला में बंद करके किसानों की मदद की जाए। वहीं नायब तहसीलदार ने किसानों का ज्ञापन लेकर ग्राम प्रधान को गौशाला में गौवंश को बंद करने के निर्देश दिए और मौके पर लेखपाल को भेजकर मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही किसानों के हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर किसान बउआ महाराज, विवेक सिंह, लाल सिंह नेता, मदन पाल सिंह, पप्पू कल्लू, जयपाल, जितेंद्र, मनोज, जुग्गी वर्मा सहित 2 दर्जन किसान मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। हमारा नाम बउआ महाराज है। क्या समस्या लेकर आज आए थे उप जिलाधिकारी? लेकर ये आए हैं, अन्ना जानवरों की समस्या है। चूँकि हम लोगों ने जो है अन्ना जानवर गौशाला के अंदर कर दिए थे, गौशाला के अंदर जानवर कर दिए, प्रधान ने अपनी दमंगई से जानवर बाहर निकलवा दिए, तो हम लोगों की फसल नष्ट करते हैं जानवर, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं तहसील में जी। कि हम लोग जो है नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया है जी। कि हमारे जानवरों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि हम किसानों की जो फसल बच सके, इससे हमारे निष्कर्ष निकल सके, क्योंकि वो और साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक, गाँव से आए, क्या समस्या लेकर आए? शिवराज सिंह नाम है, बरा से आए हुए हैं। ये अन्ना जानवर घूम रहे जो किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं। सभी ग्राम वासियों ने अन्ना जानवर लेके जाके गौशाला अंदर कर 2 दिन पहले, इसके बाद प्रधान ने अपनी दमंगई के द्वारा उनको सबको बाहर कर दिया, कह दिया कि ना अंदर करूंगा, जिसको जो करना हो कर ले। लेकिन हमारा निवेदन है, अभी नायब तहसीलदार साहब ने एप्लीकेशन दिया है, उन्हें पूरा पूर्ण आश्वासन दिया है कि बंद हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है, प्रधान जी का हम भी सहयोग करेंगे, जो गाँव वाले के हैं उनके उनको बंधवाएंगे और अन्ना जानवर अंदर करवाना चाहते हैं हम। यही निवेदन है सभी लोगों से, प्रधान से भी। ठीक, कुमार, क्या समस्या है, किस लिए आप लोग तहसील पहुंचे हैं? जब समस्या ये है कि कल परसों तक, और कहीं आप ये देखिए कि 1 महीने से आप समझ लीजिए, अब जबकि बुवाई हो गई है, फसल बढ़िया है, लेकिन फिर भी प्रधान कई बार कहने के बावजूद जानवर जब हम लोगों ने सबने इकट्ठे करके गौशाला में अंदर किए, और कल फिर खरीला थाने से 2-3 हवलदार बुला के, इंस्पेक्टर को बुला के उनको निकला दिया गया है, और ऊपर से धमकी दी गई है कि किसने अंदर किए हैं, जबकि इसका नियम यह है कि 1 जुलाई के बाद गौशाला में वैसी जानवर पहुंच जाते हैं। ये सरकारी नियम है, जब सरकारी नियम 1 तारीख से चालू हो जाता है, तो फिर इनने मतलब कि जो खरीला थाने से जो इंस्पेक्टर पहुंचे थे, तो इनको किसने आदेश दे दिया कि आप वहां से जाएं और फिर इसके बाद जानवरों को वहां से निकलवा दें? इंस्पेक्टर ने आज खुलवाए हैं कि प्रधान ने? प्रधान भी था।